श्री का गृह कलेश, मंत्री बर्खास्त, दाव पर फाइटर जेट। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ड्रैगन के देश से फर्स्ट लेडी के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली रिपोर्ट आने के बाद पूरे चीन में कैसे हड़कंप मचा है। ये रिपोर्ट ऐसी है जिसके बारे में चर्चा होने से रोकने के लिए शी जिनपिंग ने अपने सबसे नए फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतार दिया है और अपनी सेना को शक्ति प्रदर्शन करने का आदेश दे दिया है। अब चीन के राष्ट्रपति की पत्नी से जुड़ी इस रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शी जिनपिंग बुरी तरह से परेशान क्यों है, इसका जवाब जानने के लिए टीवी 9 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या चीन के इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे शी का गृह कलेश है? क्या चीन के इन फाइटर जेट्स की तैनाती के पीछे शी जिनपिंग की पत्नी है? क्या चीन में शी की नहीं फर्स्ट लेडी की सल्तनत चलती है? क्या चीन की सेना से जुड़े निर्णय शी जिनपिंग नहीं पेंग लियुआन लेती हैं? क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी एकेडमी ऑफ आर्ट के अध्यक्ष चीन की सेना को ऑर्डर देती हैं? क्या पीएलए की पांचों थिएटर कमांड पेंग लियुआन के आदेश से चलती है? क्या शी जिनपिंग ने मेजर जनरल पत्नी के कहने पर दो रक्षा मंत्री बर्खास्त कर दिए? क्या पेंग लियुआन का ऑर्डर हुआ और पीएलए के 9 जनरल गायब हो गए? क्या चीन की मशहूर गायिका ने लाल सुल्तान को फौज में अपनी पसंद के जनरल रखने पर मजबूर कर दिया? ये सारे सवाल अचानक ग्लोबल मीडिया की सुर्खियां बन गए। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दूसरी पत्नी और फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। चीनी सेना में जारी उठापटक के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन का हाथ बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने अपनी पत्नी पेंग लियुआन के कहने पर ही दो पूर्व चीनी रक्षा मंत्रियों वेई फेंगहे और ली शांगफू को न सिर्फ उनके पद से बल्कि पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। एशिया निकेई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन ने दो पूर्व रक्षा मंत्रियों वेई फेंगहे और उनके उत्तराधिकारी ली शांगफू को उनके मंत्री पदों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से अचानक बर्खास्त करने के लिए प्रभावित किया था। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पेंग लियुआन की वजह से चीन की सेना में असंतोष बढ़ता जा रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि राष्ट्रपति शी को चीनी सेना से अटूट वफादारी हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या चीन की फर्स्ट लेडी की वजह से चीन की सेना में बगावत हो रही है?
क्या पेंग लियुआन सेना से जुड़े शी जिनपिंग के निर्णयों को इस कदर प्रभावित करती हैं कि पीएलए के सिपाही बागी हो रहे हैं? आजकल शी जिनपिंग जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस बगावत की आशंका से शी जिनपिंग इस कदर घबराए हुए हैं कि बार बार उन्हें सेना के जवानों से वफादार रहने के लिए कहना पड़ रहा है। शिनहुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांक्सी प्रांत के यानान में पीएलए के जवानों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों के भीतर राजनीतिक वफादारी पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों से कहा कि वो हर मौके पर उनके और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वफादारी दिखाएं। शी जिनपिंग सेना में बगावत की आशंका से इस कदर घबराए हुए हैं कि उन्होंने पीएलए के अंदर ही एक ऐसी कैडर टीम बनाने का आदेश दिया है जिसके अधिकारी उनके वफादार, जिम्मेदार और सक्षम। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीन की सेना के अधिकारी बागी होने लगे हैं? शी जिनपिंग ने बीते दिनों अपने मंत्रियों और सेना के जनरलों को एक के बाद एक बर्खास्त किया है और अब खुलासा हुआ है कि शी ने ऐसा अपनी पत्नी पेंग लियुआन के कहने पर किया था। एशिया निकेई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने अपनी पत्नी पेंग लियुआन के कहने पर ही दो पूर्व चीनी रक्षा मंत्रियों वेई फेंगहे और ली शांगफू को उनके पद और पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया था। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व नौसेना अधिकारी डोंग जून की रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति के पीछे भी शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन की राय थी। 31 दिसंबर 2023 को शी जिनपिंग ने एक झटके में पीएलए के 9 जनरल बर्खास्त कर दिए। शी जिनपिंग ने पीएलए एयरफोर्स के पूर्व कमांडर को भी बर्खास्त करके नई नियुक्ति कर दी थी। वायरल हो रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन अफसरों को बर्खास्त करने और नई नियुक्तियों के पीछे पेंग लियुआन ही थी। ऐसी कई और रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि शी जिनपिंग ने फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन के कहने पर ही पीएलए रॉकेट फोर्स के कई टॉप कमांडर भी बर्खास्त कर दिए हैं और उनकी जगह पेंग लियुआन की पसंद के ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। चीन में लियुआन का मतलब होता है अलबेला सौंदर्य। शी जिनपिंग से शादी करने से पहले पेंग लियुआन की पहचान चीन की सुपरस्टार सिंगर की थी। शी जिनपिंग से पेंग लियुआन की शादी 1987 में हुई थी। कहते हैं कि पेंग को जिनपिंग के साथ जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने का फैसला लेने में सिर्फ 40 मिनट लगे थे। पेंग चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी में सबसे कम उम्र में मेजर जनरल बनने वाली पहली नागरिक हैं। पेंग 1980 से लेकर 2017 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी एकेडमी ऑफ आर्ट में मेजर जनरल की रैंक पर रह चुकी हैं। यानी पेंग ने 37 साल तक चीन की सेना में मेजर जनरल की हैसियत से काम किया है, इसलिए पीएलए के अधिकारियों में उनका अच्छा खासा दखल है। पेंग लियुआन चीनी सेना में जिनपिंग के प्रति गैर वफादार अधिकारियों की तलाश करती हैं। यह भी दावा किया गया है कि शी जिनपिंग अपनी पत्नी से चीनी सेना के बारे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सलाह जरूर लेते हैं। चीन में
बीते दिनों मंत्रियों और सेना के अधिकारियों के बर्खास्त होने के पीछे की वजह उनका कामकाज नहीं बल्कि जिनपिंग की पत्नी का गुस्सा था। ये रिपोर्ट चीन से लेकर ग्लोबल मीडिया में वायरल हो गई है। जिनपिंग पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में चीनी सेना को ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन का आदेश दिया गया है ताकि पत्नी वाले विवाद को दबाया जा सके। चीन अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फोजियान पर J-31B स्टेल्थ जेट की तैनाती करने जा रहा है। फोजियान चीन का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और J-31B स्टेल्थ जेट के बारे में चीन दावा करता है कि ये उसका पांचवी पीढ़ी वाला सबसे एडवांस्ड नेवल जेट है। चीन अपने J-31B को अमेरिका के F-35 का प्रतिद्वंदी बताता है। चीन का दावा है कि J-31B पूरी तरह स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसे रडार के जरिए पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने साथ ड्रोन के पूरे बेड़े को इंटीग्रेट करता है। अभी तक चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर से चीन के चौथी पीढ़ी वाले J-15 उड़ान भरते थे, अब चीन उनकी जगह J-20 और J-31B की तैनाती कर रहा है। पिछले 11 महीनों में PLA एयरफोर्स ने 70 से ज्यादा J-20 को शामिल किया है। शी जिनपिंग समुद्र में शक्ति का प्रदर्शन करके और ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक तनाव बढ़ाकर दुनिया का ध्यान उस रिपोर्ट से हटाना चाहते हैं जो बता रही है कि चीनी सेना में जिनपिंग के नहीं बल्कि उनकी पत्नी का दबदबा चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।